मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा खुलने के बाद। इसको समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाएगा। यह 701 किलोमीटर लंबा 8 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे होगा, जो कि मुंबई और नागपुर महाराष्ट्र की दोनों कैपिटल्स को आपस में जोड़ेगा। इसी प्रोजेक्ट के अंदर 20 नई टाउनशिप्स भी बनाई जाएंगी एक्सप्रेसवे के पास, जिसमें लगभग 1,00,000 लोग रह पाएंगे। पूरा प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लगभग 55,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसे बनाने में। एक्सप्रेसवे बनने से ट्रैवल टाइम आधा हो जाएगा दोनों शहरों के बीच। 8 घंटे लगेंगे जहां अभी 16 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। मुंबई नागपुर के बीच जो मेन रूट है वो काफ़ी कंजस्टेड रहता है। ये रूट 3 हाईवेज को मिलकर बना है, NH 160, NH 60 और NH 53। इसमें से सिर्फ मुंबई धुले और अमरावती नागपुर सेक्शंस 4 लेन्स के हैं, बाकी NH 53 का ज़्यादातर स्ट्रेच सिर्फ 2 लेन्स का ही है। इसीलिए कई कम्यूटर्स को स्टेट हाईवेज का रूट इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि लंबा भी होता है और इतना मेंटेन भी नहीं रहता। इसीलिए लोगों को इतना ज़्यादा समय लग जाता है ट्रैवल करते हुए। इन्हीं कारणों से नया एक्सप्रेसवे बनाना ज़रूरी है। इससे स्टेट के कई अंडर डेवलप्ड एरियाज़ की भी ग्रोथ होगी, साथ ही टाउनशिप से इकोनॉमी बढ़ेगी इन एरियाज़ की। ये फुली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि भिवंडी के पास शुरू होगा NH 160 से, फिर नासिक, औरंगाबाद और वर्धा के पास से होते हुए नागपुर की आउटर रिंग रोड पर ख़त्म होगा शिव मडका के पास। महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट से पास करेगा, थाने, नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा और नागपुर डिस्ट्रिक्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट की MSRDC, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोजेक्ट के लिए। 20,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड एक्वायर किया जाएगा, जिसमें से लगभग 10,000 हेक्टेयर एक्सप्रेसवे के लिए चाहिए होंगे और बाकी 10,000 हेक्टेयर टाउनशिप्स के लिए। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट होगी लगभग 55,000 करोड़ रुपये। एक्सप्रेसवे में 50 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 5 टनल्स, 400 व्हीकुलर और 300 पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस भी बनाए जाएंगे। 20 नई टाउनशिप्स भी बनाई जाएंगी, जिनको कृषि समृद्धि नगर कहा गया है। ये टाउनशिप्स एक दूसरे से 30-40 किलोमीटर दूर होंगी। इनके साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बनाने का प्लान है। एक्सप्रेसवे के साथ 28 सर्विस प्लाजाज भी बनाए जाएंगे हर 50 किलोमीटर की दूरी पर। इनमें फूड प्लाजाज, रेस्टोरेंट्स और इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स भी बनेंगे। इधर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग फैसिलिटीज़ बनाने का भी प्लान है। पूरे रूट में लगभग 24 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए जाएंगे और इसको आसपास के सारे हाईवेज और स्टेट रोड से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मुंबई लिंक रोड से भी इसे कनेक्ट किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की सुविधा होगी फास्टैग के साथ। पूरे रूट पर CCTV से ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा, जिससे क्विक इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक वायलेशंस की। एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को भी कनेक्ट करेगा। इन 10 के अलावा 14 और डिस्ट्रिक्ट्स को भी मदद मिलेगी इनके बनने से। महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कई एरियाज़ की इकोनॉमी बूस्ट होगी। स्टेट की मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी लिंक हो जाएंगी आपस में। इसके अलावा मीहान, मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट इन नागपुर और नवी मुंबई में JNPT भी डायरेक्टली लिंक हो जाएंगे, जिससे फ्रेट ट्रैफिक को काफ़ी फ़ायदा होगा। एक्सप्रेसवे की टोटल विड्थ 120 मीटर रखी जाएगी, जिसमें 22.5 मीटर चौड़ा सेंट्रल मीडियन भी होगा। फ्यूचर में लेन्स बढ़ाने के लिए सेंट्रल मीडियन को इस्तेमाल किया जा सकता है और लैंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MSRDC के अकॉर्डिंग फ्लाई ऐश और प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा कंस्ट्रक्शन में। एक्सप्रेसवे के पैरेलल में गैस पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। इमरजेंसी, नेचुरल डिजास्टर और वॉर जैसी सिचुएशंस में फाइटर जेट्स को लैंड करने की प्रोविजन भी दी जाएगी, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर दी गई है। एक्सप्रेसवे का बेस्ट फीचर होगा कि इस पर 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड लिमिट रखी जाएगी। MSRDC के अकॉर्डिंग ये स्पीड लिमिट 150 किलोमीटर पर आर होगी फ्लैट एरियाज़ के लिए और 100 किलोमीटर पर आर होगी घाट सेक्शंस में। इंडिया में अभी मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आर है, मगर इसके बनने के बाद ये देश का फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे बन जाएगा। ट्रैवल टाइम आधा हो जाएगा। मुंबई से नागपुर की दूरी 8 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जिसमें आज 16 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। मुंबई से औरंगाबाद और नागपुर से औरंगाबाद जाने के लिए सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। 2017 में एक्सप्रेसवे का लैंड एक्विजिशन प्रोसेस शुरू हुआ था और 2018 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। इसको बनाने के लिए लगभग 1,00,000 पेड़ भी काटे जाएंगे। MSRDC के अकॉर्डिंग काफ़ी काम पूरा हो गया है और 623 किलोमीटर लंबा
इगतपुरी से नागपुर वाला स्ट्रेच खुल जाएगा दिसंबर 2021 में। पूरा एक्सप्रेसवे मई 2022 तक खुलने की उम्मीद है। 20 टाउनशिप्स में से 6 टाउनशिप्स का काम शुरू हो चुका है। सारी टाउनशिप्स और उनकी फैसिलिटीज़ फुली डेवलप होने में 20 साल लग जाएंगे। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।